ओके okay, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने शेप्स डिस्कस की थी, उनको जरा जो जल्दी से मैं गो थ्रू करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है, यानी कि उसमें दो लिगेंड्स अटैच हैं और दोनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस वक्त मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? ऐसे कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होगी? लीनियर होगी। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्रीज होगा। ठीक है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहां पे हमारे पास दो केसेस हैं कि जो लिगेंड अटैच हो रहा है वो लिगेंड कौन सा है। अगर वो वीक लिगेंड है तो शेप कौन सी फॉर्म करेंगे? टेट्राहेड्रल फॉर्म करेंगे, जिसमें हमारे पास वो वीक लिगेंड कौन कौन से आ जाते हैं? वाटर, क्लोराइड एंड थायोसाइनाइड, SCN। अगर इनके ये चार लिगेंड, चार आइंस एज अ लिगेंड अटैच हो रहे हैं तो इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और उस केस में शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है। और अगर आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, मोनोडेंट्रिक लिगेंड, जिसमें अमोनिया, हाइड्रोक्साइड और साइनाइड आयन है, और ये चार लिगेंड सिर्फ अटैच हो रहे हैं, तो आपकी शेप क्या होगी? स्क्वायर प्लानर होगी। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हमें दो शेप्स मिलती हैं। अब इसमें हमने एग्जांपल देखी, क्लोरीन अटैच है, CuCl4 है, तो क्लोरीन की वजह से ये एक वीक लिगेंड है, तो टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन में जाएगा कॉपर। ठीक है। फिर साइनाइड अटैच है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्क्वायर प्लेनर ओरिएंटेशन में जाएगा। अच्छा, अब अगर बाइडेंटेट लिगेंड अटैच हो रहे हैं और तब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा है, तो बाइडेंटेट लिगेंड कितने अटैच होंगे? एक मेटल आयन के साथ दो ही अटैच हो सकते हैं, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो उस केस में आपकी स्क्वायर प्लेनरी शेप रहेगी, बाइडेंटेट लिगेंड में टेट्राहेड्रल शेप नहीं होती। ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो शेप क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, जिसमें अगर मोनोडेंटेट लिगेंड से लगे हुए हैं सारे, तो ऐसी शेप होगी। ठीक है। आप इस तरह हर जगह पे उन 6 पोजीशन में से हर जगह पे जो है अटैच कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर तीन बाइडेंटेट लिगेंड्स होंगे तो तीन बाइडेंटेट लिगेंड्स लगेंगे, और वो इस तरह जो है अपने आप को ओरिएंट करेंगे। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। सानिया, आपको भी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। और इसके बाद हमारे पास अगर दो बाइडेंटेट लिगेंड हैं और दो मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, तो उस केस में बाइडेंटेट स्क्वायर प्लेनर ओरिएंटेशन में जाएंगे, और जो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो एक टॉप पे और एक नीचे कनेक्ट होगा। ठीक है। तो इस केस में भी ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। ये यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, अब इसमें इनसे रिलेवेंट जो एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो बेसिकली उस पे आता है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने पे, कि ट्रांजिशन मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने आइडेंटिफाई करना है, या उस ट्रांजिशन मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स का सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ होता है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम हमारे पास क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल आयन है। ठीक है। Is identified by
the oxidation number of ligands. Ligands के oxidation number आपको पता होने चाहिए और ये हम previous class में discuss कर चुके हैं कि किन ligands पे क्या oxidation number आता है. ठीक है, ये हमारे पास इन कॉम्प्लेक्स की शेप से पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे कि सबसे कॉमन ये इथेन डायोएट है, इस पे टू नेगेटिव होता है. ठीक है, डायमाइनो इथेन है, इस पे कोई जो है चार्ज नहीं होता. ठीक है, और उसके बाद मोनोडेंटेट लिगेंड में क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड और थायोसाइनाइड, इन तीनों पे -1 होता है. इसके अलावा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही कंसीडर किया जाता है. ठीक है, अच्छा जी, इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से या पिक्चर ले लें ताकि जब अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाए. जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लें. ठीक है, हुमा आपने भी ले लिया. ओके, अच्छा, और हमारे पास और इसके अलावा कौन था? एक EDTA था. अगर EDTA, वैसे तो वो बहुत रेयरली पूछते हैं, अगर पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे मॉलिक्यूल पे -4 का चार्ज होता है और ये 6 डेटिव बॉन्ड्स बनाता है. जिन एटम्स पे मैंने लोन पेयर दिखाया हुआ है वहां से बॉन्ड बनाता है. इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं आता, मगर आपको पता होना चाहिए कि EDTA का एक ही मॉलिक्यूल 6 डेटिव बॉन्ड्स बनाता है ट्रांजिशन मेटल आयन से. ठीक है, तो EDTA जो है 6 डेटिव बॉन्ड्स बनाएगा और बाकी ये बेंजीन 1.2 डायोल, इथेन डायोएटाइन और 1.2 डायमाइनो इथेन, ये सब 2-2 डेटिव बॉन्ड्स बनाएंगे और क्लोरीन, अमोनिया, अमोनिया, वाटर, क्लोराइड, OH नेगेटिव, SCN और ये सारे जो है एक ही डेटिव बॉन्ड्स बनाएंगे. अच्छा, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, एक मिनट रुक जाए. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है जी गजनफर? गुड, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स इन अ कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स में जितने नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स होंगे वो जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. ठीक है, ये बात क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, हमें उन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल फाइंड करनी है. ठीक है, अच्छा जी. अब अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लें, उसमें कॉपर के साथ 4 अमोनियम, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और उसका नेट चार्ज 2 पॉजिटिव. ठीक है, तो कितने लिगेंड्स अटैच हैं इसमें?
जी सिक्स लिगेंड्स अटैच हैं, फोर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और टू वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? सिक्स हैं, और इन अगर सिक्स लिगेंड्स हैं और हमें पता है ये सारे कौन से लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, और मोनोडेंटेट लिगेंड्स होने का मतलब क्या है कि ये सब एक एक डेटिव बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इस केस में, सिक्स हो जाएगा। जी सानिया एंड हुमा ये बात आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ओके अब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की फाइंड करने की कोशिश करूं तो देखें वाटर का चार्ज क्या है, जीरो, अमोनिया पे भी चार्ज क्या है, जीरो, तो जो नेट चार्ज आ रहा है वो नेट चार्ज इस केस में एक्चुअली इस मेटल का ही चार्ज होगा, ठीक है, नेट चार्ज इस मेटल का ही चार्ज होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का पॉजिटिव टू होगा। ये बात क्लियर है सबको? ओके नाउ नेक्स्ट केस इज, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास निकल का है और निकल के साथ क्या अटैच है, C2O4 के थ्री मॉलिक्यूलर आइंस अटैच हैं और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज थ्री नेगेटिव है, तो अगर हम C2O4 की बात करें तो C2O4 का जो है कौन सा लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पे बना हुआ है, तो देखें ये एक लिगेंड का मॉलिक्यूल ये रहा, तो ये एक लिगेंड का मॉलिक्यूल कितने डेटिव बॉन्ड्स बना रहा है, एक मॉलिक्यूल दो बॉन्ड्स बना रहा है, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स इसके अटैच हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ, थ्री अटैच हैं, तो इसका मतलब है टोटल सिक्स डेटिव बॉन्ड्स बन रहे हैं, और अगर टोटल सिक्स डेटिव बॉन्ड्स बन रहे हैं तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सिक्स। वालेकुम अस्सलाम जी, ये बात क्लियर है सबको? अब अगर हम C2O4 की बात करें तो बेसिकली C2O4 पे चार्ज होता है 2- का, ठीक है, C2O4 पे क्या चार्ज होता है, 2- का, तो अगर 3 C2O4 हैं तो इसका मतलब है इस पूरे पे क्या चार्ज होगा, -2 × 3, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, -6, हमें रिजल्टेंट चार्ज क्या मिल रहा है, -3, ठीक है, तो इसका मतलब है कि निकल पे क्या चार्ज होना चाहिए, +3, निकल पे +3 चार्ज होगा, ओवरऑल चार्ज -6 होगा, तभी हमें नेट चार्ज क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से आइडेंटिफाई होगी कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी जी सानिया आपको भी क्लियर है, आप दोनों को क्लियर है? यस सानिया यस हुरैन आपको क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now, for example, next complex in which there is a manganese that is complexed with EDTA ligand and the whole charge is 2-. कितने EDTA attach हैं? 1. और EDTA अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक EDTA molecule कितने negative bonds बनाता है? 6 बनाता है. ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना, मगर आपको ये याद होना चाहिए कि EDTA का एक मॉलिक्यूल या एक आयन 6 डेटिव बॉन्ड्स बनाता है, ये रहा, ठीक है, तो और इस पे ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, देखें कितने माइनस चार्जेस हैं EDTA पे, वी हैव अ 4 ऑक्सीजंस विद अ 1 नेगेटिव चार्ज, सो इट मींस द ओवरऑल नेट चार्ज ऑन EDTA मॉलिक्यूल इज -4। ये बात क्लियर है सबको? तो
कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका ओवरऑल चार्ज क्या है, -4 है EDTA का। MN का चार्ज मुझे नहीं पता, मगर मुझे नेट चार्ज पता है -2, तो इसका मतलब है MN पे क्या चार्ज होना चाहिए, +2। तो इट मींस गुड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MN ओवर हियर इज +2। ये बात क्लियर है सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी हुरैन एंड सानिया, आप दोनों को भी क्लियर है? यस। ओके, नाउ नेक्स्ट केस, वी हैव अ CuCl4 विद अ 2 नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 क्लोराइड आयंस हैं और क्लोरीन क्लोराइड एक ही डेटिव बॉन्ड बनाता है और 4 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3। क्यों, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर? जी गुड, +2। ओवरऑल चार्ज में क्या है, यस +2, -2, 1 क्लोरीन हैव अ -1 चार्ज एंड वी हैव अ 4 क्लोराइड आयन, सो -4 एंड देन कॉपर हैव अ +2, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर ओवर हियर इज +2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ कोबाल्ट is having a dative bond with the 2 cyanide ions and 2 ethene diamine molecules EN2, and the whole complex have a 2 positive charge. So in this case, what is the coordination number? EN bidentate, okay? ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि EN bidentate है, तो EN bidentate होने का मतलब है कि एक EN 2 dative bond बनाएगा और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, और सॉरी 2 EN है, तो 4 dative bonds EN से बनेंगे। साइनाइड एक ही dative bond बनाता है और 2 साइनाइड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ dative bond 6 हो गए, इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अच्छा, अब कोबाल्ट का चार्ज बताइए क्या होगा, जी कोबाल्ट का चार्ज यहाँ पे कौन आइडेंटिफाई करेगा? EN लिगेंड न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता और साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, +4। वेरी गुड, +4। देखें क्योंकि EN पे कोई चार्ज नहीं है, 0 ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, +2। साइनाइड पे क्या चार्ज है, -1 एंड वी हैव अ 2 साइनाइड, सो इट मींस -2 और नेट चार्ज +2 मिल रहा है, जिसका मतलब है कोबाल्ट पे क्या चार्ज होना चाहिए, +4। Is it understandable to everyone? Moiz, clear hai? Aap dono ko? Yes, Sania and Hurain, aap dono ko bhi clear hai? Yes. Okay. Then the next complex we have, chromium, CN2, C2O4, 3 negative. Coordination number क्या होगा इस केस में? Four. क्योंकि EDTA, ये oxalate है C2O4. ये bidentate ligand होता है, तो ये 2 dative bond बनाएगा और cyanide 2 हैं, तो दोनों एक एक बना रहे हैं, तो total coordination number 4 हो गया। Oxidation number find कर लीजिए इस केस में, oxalate पे -2 का charge होता है और cyanide पे -1 का होता है।
प्लस वन, गुड। कोबाल्ट पे माइनस टू का होगा, यहाँ पे माइनस वन टाइम्स टू होगा, ओवरऑल चार्ज माइनस थ्री मिल रहा है, तो इसका मतलब है क्रोमियम पे क्या चार्ज होना चाहिए, प्लस वन का चार्ज होना चाहिए। ये बात क्लियर है सबको? जी ये सबने कंप्लीट कर लिया। अस्सलामुअलैकुम। मैं क्लास में, क्लास के बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है? मेरी वैसे क्लासेस 6 o'clock तक है, अगर बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं चेक करता हूँ। चलो ओके ओके जी, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ओके अच्छा, तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आइसोमेरिज्म इन दीज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? तो हमारे पास दो तरह के आइसोमेरिज्म हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस, एक आइसोमर सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है, ठीक है? अच्छा, अब ये सिस और ट्रांस कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जिन कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास मेटल के साथ दो डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स हों, अगर सारे लिगेंड्स जो भी अटैच हैं अगर वो सारे एक ही टाइप के हैं तो वो जो है कॉम्प्लेक्स, वो जो है आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दो डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स अटैच हों और उनकी भी प्रोपोर्शन है, अगर वो उस प्रोपोर्शन में होंगे तो वो जो है शो करेंगे, अगर वो उस प्रोपोर्शन में नहीं प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स टू और वाई टू, अज्यूम कीजिए कि एक्स वाटर है, लेट सपोज एक्स इज एच टू एंड वाई इज अमोनिया, ये बात समझाने के लिए। तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, यहाँ पे जरूरी नहीं है एच टू और एनएच थ्री आए, सी एल और साइनाइड भी आ सकता है, कोई भी दो डिफरेंट लिगेंड्स, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? अगर दोनों लिगेंड्स का काउंट, मतलब टोटल लिगेंड्स कितने अटैच हैं, फोर, और दो सिमिलर लिगेंड्स हैं और दूसरे दो सिमिलर लिगेंड्स हैं, तब तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। बट अगर चार ही लिगेंड्स हैं मगर वो चारों सिमिलर हैं तब भी वो सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, और अगर चार लिगेंड्स हैं और चार में से तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, यानी कि एक्स वन होता और वाई थ्री होता, तब भी ये जो है शो नहीं करता, ठीक है? तो सिस ट्रांस आइसोमर शो करने के लिए अगर चार लिगेंड्स अटैच हैं तो उन चार में से उन दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स होने चाहिए, और उन दोनों का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए कि दो एक जैसे हों और दो एक जैसे हों,
ये बात सबको समझ में आ रही है जी? ये बात क्लियर है सबको? और दूसरा, अगर सिक्स लिगेंड्स अटैच हैं तो उन सिक्स में से चार एक जैसे होने चाहिए और दो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है? ये दो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में जो है हमारे पास क्या फॉर्म होगा, सिस ट्रांस जो है वो आइसोमर्स शो करेंगे, ठीक है? ये बात क्लियर है? तो एम हमें पता है क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, एक्स इज वन टाइप ऑफ लिगेंड एंड वाई इज सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है? ये बात क्लियर है सबको? तो दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड होने चाहिए, और अगर वो दोनों लिगेंड्स दो दो अटैच हैं तो आप सिस ट्रांस आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, और अगर वो दोनों लिगेंड्स 4:2 के रेशियो में प्रेजेंट है तब भी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर या सिस ट्रांस आइसोमर शो होगा। जी हुरैन एंड सानिया, आप दोनों को भी क्लियर है? यस सर। ओके, दूसरा हमारे पास केस क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें पता है हम किनको बोलते हैं, जो क्या फॉर्म करते हैं, मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं। और कैसे मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं, विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है? अच्छा, इस केस में जो हमारे पास कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमर के लिए के कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव अ बाइडेंटेट लिगेंड, अगर उसके पास बाइडेंटेट लिगेंड होगा तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मोनोडेंटेट लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? जी ओके, तो हम जरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। सानिया और हुरैन, आप दोनों को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमारे पास दो केस हो सकते हैं, हमने बात की M ऐसा M X2 Y2, यानी कि उसमें एक्चुअली कितने लिगेंड्स अटैच हैं, फोर लिगेंड्स अटैच हैं, ठीक है? तो फोर लिगेंड्स अगर अटैच हैं तो क्या शेप होनी चाहिए,
और कोई शेप हो सकती है फोर लिगेंड्स अटैच होने पे टेट्राहेड्रल और स्पर क्लेनर के अलावा? जी, ये ट्रांजिशन मेटल है, उसके साथ दो वन काइंड ऑफ लिगेंड्स हैं एंड द टू आर अदर काइंड ऑफ लिगेंड। इस केस में हमारे पास कौन कौन सी शेप्स पॉसिबल हैं? जी, आपने दो शेप्स का बता दिया, ठीक है, आपने दो शेप्स कौन कौन सी बता दी, एक टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, स्क्वायर प्लानर, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, गुड, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अब फर्क क्या आएगा? जी, किस केस में ऑक्टाहेड्रल हो सकती है? अगर दो बाइडेंटेट लिगेंड्स हों और दो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हों तो लिगेंड्स तो चार ही रहेंगे मगर शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कब होता है टेट्राहेड्रल शेप? जब फोर मोनोडेंटेट लिगेंड्स हों तब हमारी शेप क्या बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है, राइट। और जब स्क्वायर प्लेनर हो तब भी फोर मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में वी हैव टू मोनोडेंटेट लिगेंड्स, यानी कि दो ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि एक एक डेटिव बॉन्ड बना रहे होते हैं, और दो ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, यानी कि वो उनमें से एक लिगेंड टू डेटिव बॉन्ड्स बना रहा होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर कॉम्प्लेक्स आयन मॉलिक्यूल का या कॉम्प्लेक्स आयन का है, तो उसमें हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये बेसिकली कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, और इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, और ये वाला केस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, एग्जिबिट करेगा। ये बात क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा जी सर, ऑक्टाहेड्रल में वन बाइडेंटिटिव लिगेंड होगा या टू डेंटिटिव होगा? ऑक्टाहेड्रल में दो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे और सॉरी, हाँ गुड पॉइंट सानिया, वन बाइडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है, तो वो दो डेटिव बॉन्ड्स बन रहे होंगे। तो अगर हम इसको इसके बजाय इस तरह शो कर दें तो ये ज्यादा अच्छा है कि एम एक्स टू और वाई, ठीक है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है और दो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो एक केस हमारा ये है। अच्छा, अब अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, एम के साथ ये दोनों लिगेंड्स अटैच हैं और हमने बात की स्क्वायर प्लानर, ठीक है, तो स्क्वायर प्लानर शेप में क्या होता है,
एक मिनट, स्क्वायर प्लानर शेप ऐसी होती है कि जो बीच में जो सेंट्रल मेटल है उस मेटल से दो प्लेन, दो बॉन्ड्स अबव द प्लेन या इन फ्रंट ऑफ प्लेन इस तरह आ रहे होते हैं, ठीक है, और दो बॉन्ड्स यूं बिलो द प्लेन जा रहे होते हैं, ठीक है, यही ओरिएंटेशन होती है स्क्वायर प्लानर में। अच्छा, रूल सिंपल ये है कि अगर सेम लीजेंड्स 90 डिग्री पर हैं, ठीक है, तो शेप क्या होगी, तो वो कौन सा आइसोमर कहलाएगा, सिस आइसोमर कहलाएगा, और अगर सेम लीगेंड्स 180 डिग्री पर हैं तो कौन सा कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि वो दोनों जो सेम लीगेंड्स हैं वो कहाँ होंगे, दे आर एक्चुअली एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, और इस केस में क्या होंगे, बिल्कुल अपोजिट ओरिएंटेशन में होंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने चार ट्रांजिशन मेटल के स्ट्रक्चर्स शो कर दिए। अब अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल इस तरह स्टार्ट करता हूं कि मैंने दो एक्स यहां पे बनाए और दो वाई लिगेंड्स यहां पे बनाए, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो मैं उसको इस तरह बनाऊंगा, फिर मैंने फर्दर 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो दोनों एक्स अपोजिट चले जाएंगे और दोनों वाई इस तरह आ जाएंगे, मैंने फर्दर 90 डिग्री पे, रोटेट कर दिया, तो दोनों वाई इस साइड हो जाएंगे और दोनों एक्स इस साइड हो जाएंगे, यानी कि मैं इनमें से कोई भी शेप बनाऊं तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कौन से आइसोमर को रिप्रेजेंट करेंगे, सिस्को, क्योंकि जो सेम आपके जो दो सेम लीगेंड्स हैं वो दोनों हर दफा एक दूसरे के नेबर हैं, एडजेसेंट हैं, और उनके बिटवीन एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज का बन रहा है, ठीक है, तो ये सारी आपकी सिस आइसोमर की ओरिएंटेशन है कि सिस आइसोमर आप इनमें से किसी भी तरह बना सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको, ये सानिया एंड हुरैन, यस सर, ओके, और ट्रांस के केस में हम क्या करेंगे, ट्रांस के केस में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, आपको सिर्फ अपोजिट बनाना है, तो उसमें हम हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशंस नहीं हो सकती, या तो मैं एक्स को इस साइड पे अपोजिट बनाऊं और वाई को इस साइड बनाऊं, या फिर मैं उनको चेंज कर दूं, वाई को इधर बना दूं और एक्स को इधर बना दूं, तो ये दोनों केसेस क्या होंगे, ट्रांस आइसोमर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इसमें देखें जो सेम लीगेंड है उनके बिटवीन एंगल क्या बन रहा है, 180 का बन रहा है, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है, और अगर हम इन एक्चुअल इसकी एग्जांपल देखें तो इन एक्चुअल एग्जांपल हमारे पास है जिसको हम प्लेटिन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को, उसमें दो साइनाइड और दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स और लिगेंड्स अटैच होते हैं, एक मिनट मैं भूल रहा हूँ, शायद उसमें निकल नहीं होता, सेंट्रल एटम प्लेटिनम का होता है,
मुझे खैर याद नहीं आ रहा अभी, मगर आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिस तरह बल्कि हम प्लेटिनम से बना लेते हैं कि प्लेटिनम है, उसके साथ दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और दो क्लोराइड्स हैं और इस पे चार्ज क्या आ रहा है, जीरो, और अगर जीरो चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है क्लोरीन का माइनस वन चार्ज था, दो क्लोरीन का माइनस वन और प्लेटिनम का प्लस टू। तो अगर मैं इसका सिस और ट्रांस बनाना चाहूं तो मैंने सेंट्रल में प्लेटिनम दिखाया मैंने, ये स्क्वायर प्लेनर ओरिएंटेशन ड्रॉ की। अब मेरी मर्जी है अगर मुझे सिस दिखाना है तो इनमें से मैं कोई भी ओरिएंटेशन ले लूं जो ऊपर मैंने आपको चार शो की है, मतलब मुझे दोनों सेम लिगेंड्स एक दूसरे के नेबर में दिखाने, मैं यूं दिखा दूं या मैं इसके बजाय यहां पे बना दूं, ठीक है, एक ही बात है, वो नेबर में होने चाहिए। तो अगर मैंने दो इस तरह बना दिए और दो अमोनिया इस तरह बना दिए तो ये मेरा सिस स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। और ट्रांस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दो जो सेम हैं उनको एक दूसरे के अपोजिट बना दूंगा, यानी कि मैंने क्लोरीन्स को यहां पे बना दिया और अमोनिया को यहां पे बना दिया, तो एक एक्चुअल एग्जांपल हो गई। ठीक है, ये क्लियर है सबको, अच्छा जी। तो ये हमारा सिस स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया जी। हुरैन एंड सानिया, आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी नो सर, क्लियर। ओके, कंप्लीट कर लिया सबने जी? अच्छा, एक मिनट रुक जाएं, सॉरी, वो ये सही था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। आसानिया, हम नंबर, एक्चुअली आप शायद नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स की वजह से कह रही थी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका डिफरेंट होगा, मगर इस केस में जब दो बाइडेंटेट लिगेंड होंगे और दो मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे तो आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही बनेगा कि दो एक जैसे लिगेंड्स हैं और दो एक जैसे लिगेंड हैं, मगर शेप ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। और ये भी सिस ट्रांस शो करेगा, और वही सिस ट्रांस के शो करने का रूल क्या होगा कि सिस कब होगा, जब सिमिलर लिगेंड्स क्या हो, 90 डिग्री पे हो, एडजेसेंट हो, और जो दो डिफरेंट लिगेंड, अगर सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ये बात क्लियर है? Yes. अच्छा, अब इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, लेट सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कोबाल्ट और उसके साथ दो C2O4 के ऑक्सिलेट आयंस हैं, यानी के ठीक है, और दो क्लोराइड आयंस हैं, और इस पूरे पे चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव का चार्ज है,
ठीक है, अगर मॉलिक्यूल पे यहाँ पे कोई चार्ज होता है, इधर भी एक सुन लिया, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चार्ज लिखा हुआ होता तो मैं इनको भी बनाने के बाद यूं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा, और अगर चार्ज नहीं होगा तो फिर आप उसको बिना स्क्वायर ब्रैकेट के भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में भी चार्ज नहीं है तो इसीलिए मैंने चार्ज और स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया। अच्छा, अब हमने क्या एग्जाम्पल ली है, एक कोबाल्ट है जिसके साथ दो C2O4 है और एक Cl नेगेटिव है, तो C2O4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है एक्चुअली, और C2O4 को इसकी जगह OX से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। अब अगर मेरे पास सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट, तो दो बॉन्ड्स बिलो द प्लेन जा रहे होंगे और दो बॉन्ड्स अबव द प्लेन या इन फ्रंट ऑफ प्लेन आ रहे होंगे। अच्छा, इस केस में अगर देखा जाए तो ओरिएंटेशन तो ऑक्टाहेड्रल है ना शेप, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स कितने हैं, 6 हैं। अच्छा जी, अब देखें, अगर मैं दोनों क्लोराइड्स को, क्लोरीन क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड है उससे इसको आप बनाना आसान है, अगर मैं दोनों क्लोराइड्स को यहां पे लगा दूं तो इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या बनेगा, 180। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं दोनों क्लोराइड यू नेबर पे लगा दूं तो ये क्या होगा, एंगल 90 एडजेसेंट हो गए, तो ये आइसोमर कौन सा बन जाएगा, सिस बन जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, इस स्क्रीन को जरा गौर से देखें, और अगर मैं यू लगाता हूं तो अब इन दोनों के बिटवीन कौन सा एंगल होगा जी, 90। ये बात क्लियर है सबको कि अगर मैं इस तरह लगाऊं तब भी 90 डिग्री होगा, और बल्कि इसको इस तरह समझ लें कि मैंने ये क्लोरीन लगाया और उसके बाद अगला क्लोरीन मैं यहाँ पे लगाऊं तब भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे लगाऊं तब भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे लगाऊं तब भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे लगाऊं तब भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्रीज होंगे, और अगर मैं यूं लगाऊं तब भी 90 डिग्रीज है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये ऑक्सलेट आयन है। अच्छा, ये ऑक्सलेट आयन किस तरह अटैच होगा, अब देखें, इस केस में दोनों ऑक्सलेट के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के 180 डिग्री पे जा रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन भी 180 डिग्री पे गया, तो एक ऑक्सलेट मॉलिक्यूल या आयन यहां पे आ गया और दूसरा ऑक्सलेट आयन यहां पे आ गया, तो ये आपका ट्रांस आइसोमर बन गया। और इस केस में दोनों ऑक्सलेट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के से 90 डिग्री पे होंगे, और दोनों क्लोरीन भी 90 डिग्री पर हैं, तो ये राइट साइड वाला आपका सिस आइसोमर फॉर्म हो गया और लेफ्ट साइड वाला आपका ट्रांस आइसोमर फॉर्म हो गया। इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव है, और इस पे भी 2 नेगेटिव है, लेफ्ट साइड वन इज सिस एंड द राइट साइड वन इज ट्रांस। जी, ये क्लियर है सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लीजिए।
जी सानिया और कुरैन, आप दोनों को भी क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है सर। जी हुरैन, आपको भी क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज MX4Y2, यानी कि सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हों और चार एक जैसे हों और दो एक जैसे हों। MX4Y2, अच्छा इसमें 6 हैं, तो इसका मतलब है वो सारे 6 क्या हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। अच्छा, अब इसमें हम इस केस में हम जो दो एक जैसे लिगेंड्स हैं उनकी हेल्प से जो है आइडेंटिफाई करेंगे किससे से या ट्रांस है, ठीक है। अब अगर हम सेंटर में मेटल अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेटल है और इस मेटल के अराउंड कितने बॉन्ड्स होंगे? 6 बॉन्ड्स होंगे, जो कि इसको ऑक्टाहेड्रल ओरिएंटेशन देंगे, ठीक है। अब अगर इसके साथ 2y इस तरह अटैच है, क्योंकि y दो लिगेंड्स है ना, x तो 4 है, 2y इस तरह अटैच हो दो वाई आपने इस तरह बनाए, या फिर आपने दोनों वाई को इस तरह बनाया, तो इन सब में दोनों वाई जो लिगेंड्स हैं उनके बिटवीन एंगल क्या है? 90 डिग्री है, और मैं वाई को ऊपर की जगह अगर नीचे बना दूं तब भी 90 रहेगा, और बाकी चारों को मैं ऑन द प्लेन इसी तरह रखूं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो इन सब ओरिएंटेशन में वाई टॉप पे और या नीचे और बाकी जो डॉटेड और बोल्ड लाइन के साथ दूसरा वाई प्रेजेंट हो, तो ये सारे क्या होंगे? 90 डिग्रीज होंगे। अच्छा, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी है 90 डिग्री की? वही वाली चार पॉसिबिलिटीज जो हमने पिछले केस में की थी, यानी कि मैं इसके बजाय दो वाई को इस तरह दिखा दूं और इस तरह सारे वाई इसको रखूं, तब भी ये क्या होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। ये बात क्लियर है सबको? तो इन सब केसेस में, ये सब केसेस हमें क्या देंगे? सिस आइसोमर देंगे, ठीक है। इन सब केसेस में हमें आइसोमर जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? सिस आइसोमर मिलेगा, और बाकी सब पोजीशंस पे दूसरा आपका लिगेंड अटैच होगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये सारे आपके कौन से हो गए? सिस आइसोमर्स हो गए। अब अगर ट्रांस आइसोमर पे जाएं, अच्छा हुरैन और सानिया आप दोनों बता दें, अगर आप दोनों में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। यस सर। ओके, यहाँ पे हमारे पास ट्रांस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो वाई जो थे वो दोनों या तो यहाँ पे हो
या फिर दोनों वाई इधर हो, या फिर दोनों वाई इधर हो, तो ये तीनों केसेस क्या हो जाएंगे, ट्रांस आइसोमर के हो जाएंगे और इन सब जगहों पे, बाकी सब जगहों पे क्या लगे होंगे, एक्स प्लेस होंगे। ठीक है, सो हेयर दीज आर ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, एक दफा एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में उन्होंने बेसिकली ये रेशियो दिया था, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेशियो में आप जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करें तो किस तरह करेंगे? जी, जो तीनों सेम लिगेंड्स हैं उनका आपस में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जो तीन एक जैसे लिगेंड्स हैं उनका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मैं अगर तीनों एक्स यूं बना दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तीनों में, ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीनों वाई लिगेंड्स आ जाएंगे, तो ये आपका कौन सा आइसोमर बनेगा, इस केस में सिस आइसोमर बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा, इसमें ट्रांस कैसे बनेगा? सर एक ऑन द प्लेन, एक अबव द प्लेन और एक बिहाइंड द प्लेन। अच्छा, एक मिनट, आप मुझे जरा दोबारा बताएं। एक ऑन द प्लेन ये रहा, एक डॉटेड लाइन में, एक डॉटेड लाइन में, तो बेटा इन दोनों के बिटवीन तो 90 हो गया। तो इसमें हमारे पास सिर्फ सिस बन सकता है अगर देखा जाए तो, इसमें ट्रांस नहीं बन सकता क्योंकि वो 90 डिग्रीज पे ही सेम रहेंगे चाहे कोई भी ओरिएंटेशन करें, क्योंकि तीन एक जैसे हैं तो हमेशा 90 की ओरिएंटेशन आ जाएगी, 90 डिग्रीज का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास ट्रांस की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हैं? ठीक है, अब इससे आगे जो है कंटिन्यू इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। ओके सानिया एंड हुरैन, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।